जिस वेबसाइट का आप लोग और हेलो दोस्तों, मैं हूँ सक्षम और आप देख रहे हैं टोनी कोर्ज। और आज हम यार एक नई वेबसाइट बनाएंगे यार, marvel.html। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यार। तो ये देखिए यार, मैंने सबको डिलीट कर दिया है और शुरुआत से शुरू करते हैं। तो यार कोड करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं कुछ चीज़ें कट कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ आज के वीडियो में। तो सबसे पहले हमें यार एक इंट्रोडक्शन चाहिए, तो आप bootstrap.com से बना रहे हैं। और यार HTML CSS का अगर थोड़ा सा भी बेसिक आपको आता है, और bootstrap बिल्कुल भी नहीं आती, तो आप बिल्कुल सही जगह हो। क्योंकि यार आपको अगर थोड़ा सा भी बेसिक आता है ना, आप इस वीडियो के बाद एक इतनी तगड़ी तगड़ी वेबसाइट बना दोगे कि आप फ्रीलांसर जॉब के लिए ढूंढने लगोगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट जाएंगे। स्टार्टर टेम्पलेट में आपको ये कॉपी करना है, फिर यहाँ पर जाके पेस्ट कर देना, ठीक है। और यार यहाँ पे जो टाइटल है वो हम हेलो वर्ल्ड नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे टाइटल रखेंगे मार्वल। ओ सॉरी यार, यहाँ पे टाइटल हम रखेंगे मार्वल। और H1 में हम यहाँ, मतलब H1 में हमें ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को, तो H1 हम काट देंगे। अब यार जैसे हम अपना वेबसाइट को सेव करते, CTRLS करते हैं और लाइव पे जाते, क्रोम पे जाते हैं, तो यहाँ देखिए मार्वल लिख गया है, टाइटल मार्वल आ गया है। अब क्या करना है, अब हमें जाना है एक नेविगेशन मेनू चाहिए, मतलब ऐसा नेविगेशन बार चाहिए, ठीक है। तो हम जाएंगे बूटस्ट्रैप पे डॉक्यूमेंटेशन में, और चाहिए हमें एक कंपोनेंट्स में जाएंगे। तो कंपोनेंट्स में जाते ही हमें इतना ढेर चीज़ मिलेगा, तो सबसे पहले हमें चाहिए एक नैव बार। नैव बार में जब जाएंगे तो यार हमें यहाँ नैव बार, ये देखिए एक नैव बार का लेआउट मिल गया, तो हम उसका कोड कॉपी करेंगे। यार मैं सबके वीडियोस अगर बनाऊँ तो बहुत टाइम लगने वाला है, और जब चीज़ें फ्री में आपको मिल रही है तो आप, मतलब मैं समझ नहीं रहा हूँ आप लोग कोड क्यों करें, लेकिन बट आपको सीखना है कोड, तो मैं एक एक करके नैव बार फिर इन सब पे एक एक करके वीडियो बना दूँगा। तो पहले तो देख लेते हैं। अब देखिए नैव बार हमने यहाँ पेश कर दिया, बट यहाँ पर जो चीज़ है ये इन्होंने लिख के रखी है। तो यहाँ पे हम जाके सबसे पहले कैप्स लॉक और यहाँ मार्वल, ठीक है। और यार कलर है जिनका लाइट था, तो मुझे कलर लाइट नहीं चाहिए यार, मुझे डार्क कलर चाहिए, तो मैं डार्क कर देता हूँ उसको, स्मॉल में डार्क करना है, बैकग्राउंड डार्क कर देता हूँ। और होम सही है, होम मुझे सही लग रहा है, मैं होम नहीं चेंज करूँगा। लिंक, तो यार लिंक की जगह कैरेक्टर्स। और ड्रॉप डाउन मेनू में एक्शन, ठीक है एक्शन। और यहाँ मैं किड्स टू, ठीक है किड्स टू। और जैसे कि मेरा फेवरेट टोनी स्टार्क है, तो मैं उन पे एक अलग, मतलब वो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि पहले मैं सेव करके दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है। तो यार ये देखो यार, ये ऐसा लग रहा है, लेकिन यार एक गड़बड़ी है यार यहाँ पे, ये जो कलर है मुझे रेड रखना है या फिर वाइट रखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले जाते हैं मार्वल पे और कैप्स लॉक हटा के स्टाइल हम जाते हैं मार्वल पे। रुकिए थोड़ा, यहाँ जाएंगे स्टाइल इक्वल कलर रेड, ओके। अब यहाँ पे CTRLS करेंगे, और फिर उसके बाद जब हम यहाँ जाते हैं, यार कुछ नहीं पाया, स्टाइल इक्वल टू कलर रेड, ये थोड़ा मैं देख रहा हूँ, थोड़ा गड़बड़ी कहाँ हो रही है वो मैं देख रहा हूँ। तो बटन है, बटन है, बटन है, वेल क्लियर। तो गड़बड़ यहाँ हो रही, यहाँ पे हमें लगाना था, यहाँ हम लगाएंगे स्टाइल इक्वल टू कलर रेड, रेड एस करेंगे,
करेंगे तो जब देखिए यहाँ पे होम हो गया, होम रेड कलर, तो ऐसे हमें ये तीनों भी करना है, होम कैरेक्टर। तो यार कैरेक्टर, यार थोड़ा कैरेक्टर में हम यार यहाँ पे कैप्स लॉक से हटा देते हैं, कैप्स लॉक में अच्छा नहीं लग रहा है। कैरेक्टर कैरेक्टर नहीं रखेंगे हम यहाँ पर, कॉमिक्स रखेंगे, ठीक है, कॉमिक्स, ओके। और मुझे वापस एक चाहिए, एक और मेन्यू चाहिए, तो ऐसे यहाँ पे नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे ये वाला कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। और यार यहाँ पे मैं होम नहीं रखूँगा, मैं यहाँ पे रखूँगा टोनी, टोनी नहीं रखेंगे यहाँ पे, रखेंगे एवेंजर्स, ठीक है, मेरा पर्सनल एवेंजर्स फेवरेट है। और मैक्सिमम लोग एवेंजर्स के लिए सर्च करते, तो एवेंजर्स हो गया। अब ड्राउट डाउन में एक्शन किड्स टोन, और यार समथिंग एल्स एयर की जगह हम रखते हैं पेन टेन, एज मैं बेंटन बहुत देखता हूँ तो मैं बेंटन यहाँ रखा हूँ। और मैं जब यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ जाता हूँ, तो यार देखिए होम एवेंजर्स ये रेड है, कॉमिक ड्रॉप डाउन टू सेवन टू, यार यार सेव भी हो रहा है। हाँ तो यार रिकॉर्डिंग में चेक कर रहा था, हाँ तो ज़रा आप देखने दीजिए, फिर से जाते हैं। तो सबसे पहले बेंटन हो गया, तो यार रुकिए यार यहाँ पे जो कलर रेड वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो ये यहाँ वाला कलर है मैं वाइट दे देता हूँ, वाइट। और यार मार्वल्स के जो फंड फैमिली यूज़ करते हैं मार्वल वाले, वो फैंटसी यूज़ करते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी फंड फैमिली जो है वो फैंटसी यूज़ करूँ, तो कलर रेड कॉमा फंड। यार मैं फिर से स्टाइल टाइल लगाना पड़ेगा, टाइल चलिए रहने ही देते हैं यार, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। होम एवेंजर कॉमिक्स हो गया, यहाँ पे कलर वाइट हो गया, और यहाँ भी कलर हम वाइट कर देते हैं। और यार यहाँ भी कलर वाइट कर देते हैं, कलर स्टाइल इक्वल कलर वाइट। तो यार CTR लेस करेंगे, तो यहाँ जो कलर देखिए होम एवेंजर कॉमिक, यार अब आप लोग थोड़ा कर लीजिएगा, मैं यहाँ आपको सिखा रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी इस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ, तो चलिए शुरू कर और कुछ करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमने ऊपर वाला बना लिया यार, ऊपर वाला बन चुका है, बट यार मार्वल यार रेड होना चाहिए, यार मार्वल रेडी होना चाहिए, रुको यार मैं यहाँ चेंज करना हूँ, हैशटैग मार्वल है, और ये बटन लग रहा है तो मार्वल में नैव बार लाइट बीजी डार्क, तो यहाँ भी हम डार्क कर देते हैं। डार्क CTRLS फिर जब जाते हैं तो ये देखिए मार्वल और ये सब कुछ एक अच्छे कलर में होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, तो यार मार्वल रेड में अच्छा लग रहा है, बट आप लोग कर लीजिएगा और उसकी फंड फैमिली फंटेसी कर दीजिएगा, ठीक है। और एज हेयर अब मुझे यहाँ पे क्राउजर लगाना है, जिसकी वजह से मुझे मार्वल्स की चलती हुई फ़ोटो मिल जाए, तो मैं डेस्कटॉप क्रोम और यार यहाँ पे होता है क्राउजर, तो क्राउजर पे जाते हैं, तो क्राउजर पे जाने के लिए स्लाइड्स ओनली है और विथ कंट्रोल स्लाइड है, तो मैं विथ कंट्रोल स्लाइड लूँगा, विथ कंट्रोल विथ इंडिकेटर्स, यहाँ थोड़ी सारी स्लाइड दी हुई है, विथ कैप्शंस और क्रॉस फेड, ठीक है। तो ये वाली स्लाइड लेते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं अपने कोड में जाता हूँ और टिप ऑफ, अगर यहाँ 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 नैब नैब यहाँ पे है, तो मैं इंटर करके CTRLV करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यार ये आ चुकी है, अब मुझे कुछ, तो मैं
डार्क कर दूँगा, उसको स्मॉल में डार्क करना है, बैकग्राउंड डार्क कर देता हूँ। और होम सही है, होम मुझे सही लग रहा है, मैं होम नहीं चेंज करूँगा। लिंक, तो यार लिंक की जगह कैरेक्टर्स और ड्रॉप डाउन मेनू में एक्शन, ठीक है एक्शन, और यहाँ मैं किड्स 2, ठीक है किड्स 2। और जैसे कि मेरा फेवरेट टोनी स्टार्क है, तो मैं उन पे एक अलग मतलब वो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि पहले मैं सेव करके दिखा देता हूँ कैसा लग रहा है। तो यार ये देखो यार, ये ऐसा लग रहा है, लेकिन यार एक गड़बड़ी है यार यहाँ पे, ये जो कलर है मुझे रेड रखना है या फिर वाइट रखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले जाते हैं मार्वल पे और कैप्स लॉक हटा के स्टाइल हम जाते हैं मार्वल पे, रुकिए थोड़ा, यहाँ जाएंगे स्टाइल इक्वल कलर रेड, ओके। अब यहाँ पे CTRL S करेंगे और फिर उसके बाद जब हम यहाँ जाते हैं, यार कुछ नहीं पाया, स्टाइल इक्वल टू कलर रेड, थोड़ा मैं देख रहा हूँ, थोड़ा गड़बड़ी कहाँ हो रही है वो मैं देख रहा हूँ। तो बटन है, बटन है, बटन है, वेल क्लियर। तो गड़बड़ी यहाँ हो रही, यहाँ पे हमें लगाना था, यहाँ हम लगाएंगे स्टाइल इक्वल टू कलर रेड, रेड एस करेंगे, ग्यारह करेंगे। तो अब जब देखिए यहाँ पे होम हो गया, होम रेड कलर, तो ऐसे हमें ये तीनों भी करना है, होम कैरेक्टर। तो यार कैरेक्टर, यार थोड़ा कैरेक्टर में हम यार यहाँ पे कैप्स लॉक से हटा देते हैं, यार कैप्स लॉक में अच्छा नहीं लग रहा है। कैरेक्टर नहीं रखेंगे हम यहाँ पर, कॉमिक्स रखेंगे, ठीक है कॉमिक्स, ओके। और मुझे वापस एक चाहिए, एक और मेन्यू चाहिए, तो ऐसे यहाँ पे नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे ये वाला कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। और यार यहाँ पे मैं होम नहीं रखूँगा, मैं यहाँ पे रखूँगा टोनी नहीं रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे एवेंजर्स, ठीक है मेरा पर्सनल एवेंजर्स फेवरेट है, और मैक्सिमम लोग एवेंजर्स के लिए सर्च करते हैं, तो एवेंजर्स हो गया। अब ड्रॉप डाउन में एक्शन किड्स 2 और यार समथिंग एल्स एयर की जगह हम रखते हैं बेन 10। एज मैं बेन 10 बहुत देखता हूँ, तो मैं बेन 10 यहाँ रखा हूँ। और मैं जब यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ जाता हूँ, तो यार देखिए होम एवेंजर्स ये रेड है, कॉमिक ड्रॉप डाउन 27। तो यार सेव भी हो रहा है, हाँ तो यार रिकॉर्डिंग में चेक कर रहा था, हाँ तो जरा आप देखने दीजिए, फिर से जाते हैं। तो सबसे पहले बेंटन हो गया, तो यार रुकिए यार, यहाँ पे जो कलर रेड वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो जो यहाँ वाला कलर है मैं वाइट दे देता हूँ, वाइट। और यार मार्वल्स के जो फंड फैमिली यूज़ करते हैं मार्वल वाले, वो फैंटसी यूज़ करते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी फंड फैमिली जो है वो फैंटसी यूज करो, तो कलर रेड कॉमा फंड, रुको यार मैं फिर से स्टाइल टैग लगाना पड़ेगा, स्टाइल चलिए रहने ही देते हैं यार, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। होम एवेंजर कॉमिक्स हो गया, यहाँ पे कलर वाइट हो गया, और यहाँ भी कलर हम वाइट, और यार यहाँ भी कलर वाइट कर देते हैं, कलर स्टाइल
कलर वाइट, तो यार CTRL लेस करेंगे, तो यहाँ जो कलर देखिए होम एवेंजर कॉमिक, यार अब आप लोग थोड़ा कर लीजिएगा, मैं यहाँ आपको सिखा रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी इस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ, तो चलिए शुरू कर और कुछ करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमने ऊपर वाला बना लिया यार, ऊपर वाला बन चुका है, बट यार मार्वल यार रेड होना चाहिए यार, मार्वल रेडी होना चाहिए, रुको यार मैं यहाँ चेंज करना हूँ, हैशटैग मार्वल है और ये बटन लग रहा है तो मार्वल में नैव बार लाइट बीजी डार्क, तो यहाँ भी हम डार्क कर देते हैं, डार्क CTRL S, फिर जब जाते हैं तो ये देखिए मार्वल और ये सब कुछ एक अच्छे कलर में होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, तो यार मार्वल रेड में अच्छा लग रहा है, बट आप लोग कर लीजिएगा और उसकी फ्रंट फैमिली फंटेसी कर दीजिएगा, ठीक है। और एज हेयर अब मुझे यहाँ पे क्राउजर लगाना है, जिसकी वजह से मुझे मार्वल्स की चलती हुई फ़ोटो मिल जाए, तो मैं डेस्कटॉप क्रोम और यार यहाँ पे होता है क्राउजर, तो क्राउजर पे जाते हैं, तो क्राउजर पे जाने के लिए स्लाइड्स ओनली है और विद कंट्रोल स्लाइड है, तो मैं विद कंट्रोल स्लाइड लूँगा, विद कंट्रोल विद इंडिकेटर्स, यहाँ थोड़ी सारी स्लाइड दी हुई है, विद कैप्शंस और क्रॉस फेड, ठीक है। तो ये वाली स्लाइड लेते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं अपने कोड में जाता हूँ और टिप फॉर्म, अगर यहाँ 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 नैब नैब यहाँ पे है, तो मैं एक करके CTRL V करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यार ये आ चुकी है, अब मुझे कुछ तो यार यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ पे मैंने एक इमेज की SRC को कॉपी करके रखा है, तो CTRL V करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इमेज का नाम, यार यहाँ इमेज का नाम कैसे लिखते हैं, तो एक गड़बड़ी यार मेरे कीबोर्ड में हैश टैग की जगह बैक स्लैश की जगह हैश टैग लगता है, तो यहाँ पे इसको सही करने के लिए मुझे यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा और एज है यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, फिर यहाँ पे मैं spiderman.jpg, ओके वैसा करने पे CTRL S करेंगे और ये चीज़ मैं कॉपी करूँगा, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कॉपी करूँगा, कॉपी फिर से मैं जाऊँगा यहाँ पे और इस वाले को मैं काट दूँगा, मैं यहाँ से CTRL V, फिर यहाँ पे इस वाले पे जाऊँगा और यहाँ पे यूज करूँगा CTRL V। अब देखिए यहाँ जो spiderman.jpg गए हैं, इसकी जगह मैं यूज़ करूँगा thor.jpg और यहाँ मैं यूज़ करूँगा hulk.jpg CTRL S करेंगे। तो यहाँ पे यार थॉर और हल्क मैंने लेके रखा है, तो यहाँ पे जब मैंने इसको किया CTRL S, तो अब मैं जब यहाँ लाइव जाता हूँ उसको रीलोड करता हूँ, तो यार देखो यार ये इमेज आ रही है, इसको जब बदलेंगे तो यार यहाँ पे हल्क इमेज आ रही है, यहाँ पे यार ये बहुत बड़ी आ रही है, इसको थोड़ा छोटा करना है, तो यार इसको छोटा करने के लिए क्लास डी ब्लॉक, हाइट इक्वल मैं 200 रख रहा हूँ और विड्थ इक्वल 300 कर रहा हूँ, ओके CTRL S कर रहा हूँ और फिर यही चीज कॉपी, यही चीज पेस्ट और
सेम चीज़ हम यहाँ भी करेंगे, पेस्ट, तो CTRLS और गो टू द वेबसाइट और रीलोड इट। ओके, थोड़ी ज़्यादा हो गई तो यहाँ पे जाऊँगा। फिर इसकी हाइट 300 नहीं करा के मैं थोड़ी हाइट इसकी 500 कर देता हूँ और हाइट 500 कर देता हूँ। यार इमेज की क्वालिटी थोड़ी लो है मुझे पता है, बट मैं क्या कर सकता हूँ क्योंकि यार मैंने गूगल से इमेजेस डाउनलोड किए हैं, मुझे अनस्प्लैश इन सब पे इन सब की थॉर की इमेजेस इन सब की इमेजेस नहीं मिल रही थी। अब मैं फिर से साइट को रीलोड करता हूँ तो यार ये देखो अब थोड़ी देर देखेंगे तो अपने आप ही मे बी चेंज हो। ये देखिए अब थोड़ी देर और रुकेंगे तो मे बी ये चेंज हो। रुकिए थोड़ी देर, रुकिए थोड़ी देर, तो ये देखिए, ये देखिए, तो यार आप अच्छी क्वालिटी की फोटोज का यूज़ करते हैं। चलिए एक अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पे डालते हैं यार HD स्पाइडरमैन पिक, स्पाइडरमैन पिक। तो यार इंटरनेट पे डिपेंडेंट है ये सब। चलिए यहाँ से नहीं, हम अपने गूगल ब्राउज़र से खोलते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं HD स्पाइडर, HD स्पेस वॉल स्पाइडरमैन है। और यहाँ पे हमें मिल रहे हैं ये वाले, तो यहाँ पे ये वॉलपेपर प्ले, वॉलपेपर प्ले पे जाएंगे। रुक देखते हैं, यार बहुत टाइम ले रहा है। चलिए आप लोग लगा लीजिएगा, मैं नहीं लगाऊंगा, आप लोग लगा लीजिएगा HD वॉलपेपर्स, ये ठीक लग रहा है वैसे मुझे, ठीक है बट थोड़ा HD में नहीं है तो आप लोग HD में लगा लीजिएगा। अब हम आगे जाएंगे, अब हमें आगे क्या करना है कि अब हम वेबसाइट में कुछ लगाना चाहते हैं थंबनेल टाइप का, तो पहले एग्जांपल्स में जाइएगा, तो एग्जांपल्स में जाने के बाद आपको इतने सारे एग्जांपल्स दिख रहे होंगे। तो यार मुझे मेरा जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है ये वाला, तो मैं इसको ले रहा हूँ और यार यहाँ इंस्पेक्ट पे जाएंगे हम, यार यहाँ इंस्पेक्ट हो जाएंगे। इंस्पेक्ट में जाने के बाद तो रुकिए खुल रहा है, इंस्पेक्ट पे चले गए हम। तो यार यहाँ पे अगर आप इसको स्लाइड क्या है, मैंने मोबाइल वर्जन कर रखा है तो पहले मैं इसको वो कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। तो यार मुझे ये चाहिए फोर्ड और डिज़ाइन, तो मुझे ऊपर वाली नहीं चाहिए, तो मैं ये देखिए इसको नीचे ये वाला चाहिए ना, तो जो ये वाला डिव है ये इसका है, तो मैं इस वाले डिव को लूँगा, एडिट एज HTML और CTRL A लगाऊँगा और यहाँ इसको कॉपी करूँगा। और यार ये हाँ मैं जाता हूँ ब्रैकेट्स में, यहाँ पे डिव है, डिव में एंटर करता हूँ CTRL A, अरे सॉरी गड़बड़ हो गया, यहाँ मुझे एंटर करना है CTRL V। तो यहाँ पे ये हो गया Ctrl+V से, अब मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे इतना चीज़ आ गया लेकिन हमें ये सब नहीं चाहिए, तो हमें मिनिमम यहाँ से जैसे कि हमने किया था यहाँ से, तो यहाँ से हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से लेंगे और यहाँ तक फीचर पोस्ट नंबर 12
यहाँ तक हमें फिजियाल एक्सेस करना है। ओके, ये तो आपने कर दिया, ये डिप को हटा देंगे, फिजियाल एस करेंगे और अपने वेबसाइट पे जाते हैं और इसको रीलोड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फीचर्ड पोस्ट और पोस्ट टाइटल आ रहा है, यहाँ पे एक साइन अप और ये सब का वो आ रहा है। तो साइन अप वाला बाद में बनाते हैं, पहले यहाँ फीचर्ड पोस्ट बनाएंगे। तो फीचर्ड पोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक SVG दिख रहा होगा, तो यार ये SVG को हम हटा देते हैं पूरी तरीके से। यहाँ पे SVG को हटा देंगे और यहाँ लगाएंगे IMG FRC इक्वल, और यहाँ जो उसका सोर्स होगा वो होगा आयरन मैन। और यार यहाँ पे इसको प्रॉपर्टीज, और यहाँ इसका ये प्रॉपर्टी है, तो इसकी प्रॉपर्टी को रुके मैं लेता हूँ ऐसे इसको मैं कॉपी करता हूँ। ओके, ये थोड़ा हाँ आ गया है। अब हमें मैं SRC पे जाना है, मैं पेस्ट करने के बाद जैसा मैंने बताया था थोड़ा गड़बड़ी है मेरे इसमें, यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, CTRL V करेंगे और यहाँ लगा देंगे आयरन मैन डॉट JPJS। ठीक है, और यार SVJ मैंने कहाँ गड़बड़ किया है। तो यार यहाँ पे आ गए और यहाँ पे मैंने एक इमेज की SRC को कॉपी करके रखा है, तो CTRL V करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इमेज का नाम। यार यहाँ इमेज का नाम कैसे, तो एक गड़बड़ी यार मेरे कीबोर्ड में #टैग की जगह बैक स्लैश की जगह #टैग लगता है। तो यहाँ पे इसको सही करने के लिए मुझे यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा और एज है यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। फिर यहाँ पे मैं spiderman.jpg ओके, वैसा करने पे CTRL S करेंगे और ये चीज़ मैं कॉपी करूँगा ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक कॉपी करूँगा कॉपी। फिर से मैं जाऊँगा यहाँ पे और इस वाले को मैं काट दूँगा और यहाँ से CTRL V। फिर यहाँ पे उस वाले पे जाऊँगा और यहाँ पे यूज़ करूँगा CTRL V। अब देखें यहाँ जो spiderman.jpg गए हैं इसकी जगह मैं यूज़ करूँगा thor.jpg और यहाँ मैं यूज़ करूँगा hulk.jpg CTRL S करेंगे। तो यहाँ पे यार थॉर और हल्क मैंने लेके रखा है, तो यहाँ पे जब मैंने इसको किया CTRL S तो अब मैं जब यहाँ लाइव जाता हूँ उसको रीलोड करता हूँ, तो यार देखो यार ये इमेज आ रही है, इसको जब बदलेंगे तो यार यहाँ पे हल्क इमेज आ रही है, यहाँ पे यार ये बहुत बड़ी आ रही है, इसको थोड़ा छोटा करना है। तो यार इसको छोटा करने के लिए क्लास डी ब्लॉक हाइट इक्वल मैं 200 रख रहा हूँ और विड्थ इक्वल 300 कर रहा हूँ। ओके, CTRL S कर रहा हूँ और फिर यही चीज कॉपी यही चीज पेस्ट और
सेम चीज़ हम यहाँ भी करेंगे, पेस्ट, तो CTRLS और गो टू द वेबसाइट और रीलोड इट। ओके, थोड़ी ज़्यादा हो गई तो यहाँ पे जाऊँगा। विद इसकी हाइट 300 नहीं करा के मैं थोड़ी हाइट इसकी 500 कर देता हूँ, और हाइट 500 कर देता हूँ। यार इमेज की क्वालिटी थोड़ी लो है मुझे पता है, बट मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि यार मैंने गूगल से इमेजेस डाउनलोड किए हैं, मुझे अनस्प्लैश इन सब पे इन सब की थॉर की इमेजेस इन सब की इमेजेस नहीं मिल रही थी। अब मैं फिर से साइट को रीलोड करता हूँ, तो यार ये देखो अब थोड़ी देर देखेंगे तो अपने आप ही मे बी चेंज हो। ये देखिए अब थोड़ी देर और रुकेंगे तो मे बी ये चेंज हो। रुकिए थोड़ी देर। तो ये देखिए तो यार आप अच्छी क्वालिटी की फ़ोटोज़ का यूज़ करते हैं। चलिए एक अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, तो यहाँ पे डालते हैं यार HD स्पाइडरमैन पिक, तो यार इंटरनेट पे डिपेंडेंट है सब। चलिए यहाँ से नहीं, हम अपने गूगल ब्राउज़र से खोलते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं HD स्पेस वॉल स्पाइडर नाम है, और यहाँ पे हमें मिल रहे हैं ये वाले, तो यहाँ पे ये वॉलपेपर प्ले पे जाएंगे। रुक देखते हैं, यार बहुत टाइम ले रहा है। चलिए आप लोग लगा लीजिएगा, मैं नहीं लगाऊंगा, आप लोग लगा लीजिएगा HD वॉलपेपर, ये ठीक लग रहा है वैसे, मुझे ठीक है, बट थोड़ा HD में नहीं है, तो आप लोग HD में लगा लीजिएगा। अब हम आगे जाएंगे, अब हमें आगे क्या करना है कि अब हम वेबसाइट में कुछ लगाना चाहते हैं थंबनेल टाइप का, तो पहले इधर एग्जांपल्स में जाइएगा, तो एग्जांपल्स में जाने के बाद आपको इतने सारे एग्जांपल्स दिख रहे होंगे। तो यार मुझे मेरा जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है ये वाला, तो मैं इसको ले रहा हूँ। और यार यहाँ इंस्पेक्ट पे जाएंगे हम, यार यहाँ इंस्पेक्ट पे जाएंगे। इंस्पेक्ट में जाने के बाद रुकिए खुल रहा है, इंस्पेक्ट पे चले गए हम, तो यार यहाँ पे अगर आप इसको स्लाइड क्या है, मैंने मोबाइल वर्जन कर रखा है, तो पहले मैं इसको वो कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। तो यार मुझे ये चाहिए फोर्ड और डिज़ाइन, तो मुझे ऊपर वाली नहीं चाहिए, तो मैं ये देखिए इसको नीचे ये वाला चाहिए ना, तो जो ये वाला डिब है ये इसका है, तो मैं इस वाले डिब को लूँगा, एडिट एज HTML और CTRL A लगाऊंगा और यहाँ इसको कॉपी करूँगा। और यार ये यहाँ मैं जाता हूँ ब्रैकेट्स में, यहाँ पे div है, div में एंटर करता हूँ CTRL A, अरे सॉरी गड़बड़ हो गया, यहाँ मुझे एंटर करना है CTRL B, तो यहाँ पे ये हो गया Ctrl+V से। अब मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे इतना चीज़ आ गया, लेकिन हमें ये सब नहीं चाहिए, तो हमें मिनिमम यहाँ से जैसे कि हमने किया था यहाँ से, तो यहाँ से हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से लेंगे और यहाँ तक टीचर पोस्ट नंबर 12
यहाँ तक हमें CTRL बैकस्पेस करना है। ओके, ये तो आपने कर दिया। ये डिप को हटा देंगे, CTRL S करेंगे और अपने वेबसाइट पे जाते हैं और इसको रीलोड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फीचर्ड पोस्ट और पोस्ट टाइटल आ रहा है, यहाँ पे साइन अप और ये सब का वो आ रहा है। तो साइन अप वाला बाद में बनाते हैं, पहले हम फीचर्ड पोस्ट बनाएंगे। तो फीचर्ड पोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक SVG दिख रहा होगा, तो यार ये SVG को हम हटा देते हैं पूरी तरीके से। यहाँ पे SVG को हटा देंगे और यहाँ लगाएंगे IMG FRC इक्वल, और यहाँ जो उसका सोर्स होगा वो होगा आयरन मैन। और यार यहाँ पे इसको प्रॉपर्टीज, और यहाँ इसका ये प्रॉपर्टी है, तो इसकी प्रॉपर्टी को रुके मैं लेता हूँ CTRL ऐसे मैं कॉपी करता हूँ। ओके, ये थोड़ा हाँ आ गया है। अब हमें मैं SRC पे जाना है, मैं पेस्ट करने के बाद जैसा मैंने बताया था थोड़ा गड़बड़ी है मेरे इसमें, तो यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, CTRL V करेंगे और यहाँ लगा देंगे आयरन मैन डॉट JPJS। ठीक है, और यार SVJ मैंने कहाँ गड़बड़ किया है यार, वो जो आयरन मैन वाली इमेज थी उसमें थोड़ी गड़बड़ी हो रखी थी यार, उसमें उसके बीच में स्पेस था, इस वजह से वो जो कम ब्रैकेट्स था वो समझ नहीं पा रहा था ये मैन डॉट JPJ है कि आयरन मैन डॉट JPJ है। तो यार यहाँ पे हम लोग यार यहाँ पे मार्वल जो कि मैंने इमेज गूगल से डाउनलोड किया मेरे डेस्कटॉप में यहाँ पे है उसको यूज़ करेंगे। तो अब मैं इसको अगर रीलोड करता हूँ CTRL S करके, तो यार यहाँ देखो ये मार्वल आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें कुछ नहीं करना है, केवल कुछ चीज़ें चेंज करनी है, जैसे कि तो यहाँ पे डिज़ाइन है, कंटिन्यू रीडिंग और नंबर 12 वर्ल्ड फीचर्ड पोस्ट देखिए रुकी मुझे देखने के लिए थोड़ा। तो मुझे यहाँ पे चेंज करना है वर्ल्ड, और यहाँ पे मार्वल, ओके मार्वल कर देंगे। नवंबर 12 को ठीक है ये डाली गई थी, और यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा मार्वल के बारे में कि मार्वल इज कार्टून वेबसाइट विच इज हाईली रिकमेंडेड टू टीनएजर्स। ठीक है, मैंने लिख दिया, अब मैं इसको सेव करूँगा और कंटिन्यू रीडिंग ठीक है। और यहाँ सेव करने के बाद या मैं यहाँ पे रीलोड का बटन दबाऊंगा, तो यहाँ देखिए मार्वल इज ए कार्टून वेबसाइट विच इज हाईली टीनएजर और कंटिन्यू वर्ल्ड। अब यही चीज़ यहाँ भी करेंगे, सॉरी, और यहाँ करने के लिए हम कुछ चीज़ करते हैं पहले, जैसे कि यहाँ पे गए, यहाँ पे भी SVG होगा, तो यार ये SVG में हम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि यार SVG यार मेरे में ग्राफिक्स जो है वो ब्रैकेट्स का सपोर्ट नहीं करता SVG, मुझे प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो मैं SVG नहीं इस्तेमाल करता हूँ। बट प्लस MSVG कोई वो भी नहीं है कि आप उसको डाउनलोड ही करें, तो मैं SRC तो यहाँ पे जब जाएंगे तो कहाँ गया ये है, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ
कॉपी, और यहाँ पे मैं जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ जो मार्वल है वहाँ पे मैं लिखता हूँ, मार्वल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यार यहाँ मैं आयरन मैन को लगाना चाहता हूँ, तो पहले मैं प्रॉपर्टीज में जाऊँगा और यहाँ मैं आयरन कर दूँगा, ओके। तो यहाँ मैं जब आयरन कर दूँगा तो मैं ब्रैकेट्स में जाता हूँ, और जहाँ मैंने मार्वल किया था उसकी जगह मैंने आयरन डॉट जी पे जी कर देता हूँ, ठीक है। सी टी आर एल एस करते हैं और जाते हैं, तो हमें इसको एक बार रीलोड करते हैं। प्लेस होल्डर थंबनेल, ओ शिट, कुछ गड़बड़ी हुई है, देखता हूँ मैं। अरे सॉरी यार, यहाँ पे मैं एक ये वाला टैग लगाना भूल गया था, सी टी आर एल एस करते हैं। तो अब फिर से रिफ्रेश करते हैं, कुछ गड़बड़ी हो रही है, मैं देखता हूँ। डी ब्लॉक में जैसे आर सी आयरन सीखा हुआ, सॉरी यहाँ आयरन होगा, सी टी आर एल एस। अब मैं जब फिर से देखता हूँ, फिर से रीलोड करते हैं, तो ये देखिए आयरन मैन की फ़ोटो आ चुकी है। और यहाँ मैं लिखूँगा, यहाँ टाइटल में लिखूँगा टोनी स्टार्क, यहाँ लिखूँगा थंबनेल की जगह। तो यार ये SVG टैग को हटा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, SVG को हटा दीजिए, टोनी स्टार्क। और पोस्ट टाइटल तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टोनी स्टार्क, नहीं आयरन मैन लिखूँगा, आयरन मैन। और ये जो डिज़ाइन है उसकी जगह मैं करूँगा ए विथाउट एवेंजर एसेंबल, एस करेंगे नवंबर 11 देर द वाइडर कार्ड अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम जाएंगे, ये लिखेंगे टोनी यू आर द रियल हीरो एंड नोबडी इज ग्रेटर देन यू, ओके। हो गया है हमारा, लेस करेंगे और यहाँ जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। तो यार यहाँ देखिए आयरन मैन एवेंजर असेंबल, आयरन मैन हाई टोनी, ये निकल आ चुका है। तो ठीक है, अब क्या करना है, देखिए हमारी वेबसाइट मेनली तो बन चुकी है बट अभी इसमें बहुत काम है। देखिए यहाँ पे सर्च पे योर फेवरेट कैरेक्टर भी आ रहा है, तो अब कुछ चीज़ें और करेंगे हम यहाँ पे, जैसे कि जितना हमारा ये मेन वाला है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए यू आर रियल हीरो। तो यार एक बार फिर से शुरुआत से देख लेते हैं, तो रीलोड करते हैं। हाँ तो ठीक है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे मार्वल्स की वेबसाइट है, ये ड्रॉप डाउन एक एक्शन किट्स टून मेंटेन का मैंने अलग से दिया है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं और ये फीड में चेंज होती है। तो एक अच्छी वेबसाइट है, इसमें आप थोड़ा बहुत और भी चेंजेस कर सकते हैं, तो मैंने खाली इतना ही बताया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। और थोड़ा चेंज मैं फुटर बना देता हूँ यार आप लोगों को, फुटर अगर मैं जाऊँ, और यार इसमें फुटर होगा ये, तो मैं ये
ये है, इसको मैं एडिट एज HTML पे जाता हूँ और CTRL एक कर देता हूँ, ओके। और यहाँ जाऊँगा और यहाँ मैं डिप 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 इतना डिप है यार, तो यहाँ पे इंटर करूँगा और CTRL भी कर दूँगा, ओके। गड़बड़ी हो गई भाई थोड़ी, अगर आप इंसान होंगे तो आपसे भी होगी यार। मैं और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अब यहाँ पे और फिर यहाँ पे शटल भी दबाऊँ तो ओके आ गया। अब यहाँ पे लिखूँगा मैं मार्वल्स और यहाँ @MDO, ठीक है, @MDO ठीक है। और चलिए मैं यहाँ पे अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जाऊँगा @Saksham5404 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। बैक टू टॉप, ओके, CTRLS। अब जब हम यहाँ देखेंगे, इसको रीलोड करते हैं, तो यार यहाँ पे वो आ जाता है फूटर, तो ब्लॉक टेम्पलेट बिल्ड बाय मार्वल बाय @Saksham5404 और बैक टू टॉप। तो यार हो गया, वेबसाइट बन चुकी है यार, ये काफ़ी बड़ी वेबसाइट बन सकती थी, इसमें फॉर्म और साइन इन वाला था। तो यार साइन अप वाला देखना है तो मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगा कि कैसे एक अच्छा खासा फॉर्म साइन अप मेन्यू बना सकते हैं। और अगर आपको बूटस्ट्रैप से देखना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा बूटस्ट्रैप से। अगर आपको HTML CSS फुल कोडिंग के साथ देखनी है तो साइन अप कर उसके लिए मैं बना दूंगा। और यार अगर आपको इसकी कोडिंग सीखनी है कि कैसे चेंज हो रहा है तो वो भी मैं बना सकता हूँ, बट प्लीज़ कमेंट सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। और इसका पार्ट टू में हम ये सीखने वाले हैं कि हम इस वेबसाइट को ऑनलाइन पब्लिश कैसे करेंगे, यानी कि हम इस वेबसाइट को किसी डोमेन के थ्रू ऑनलाइन फ्री में होस्ट कैसे करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो।